आज हम भारत के संदर्भ में ही एक बार फिर दोबारा कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है कि भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप से जाना जाता है, तो उपमहाद्वीप के रूप में क्यों माना जाता है इसके बारे में भी आज आपको थोड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि भारत की विशिष्ट स्थिति एवं क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण कई भूगोलवेत्ता उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। इसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, एक तो विशिष्ट अवस्थिति इसकी तथा दूसरी क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर केरेसी ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत को महाद्वीप कहलाने में भी उतना ही अधिकार है जितना यूरोप। अब जैसे यूरोप में जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उससे ज़्यादा विभिन्नताएं भारत में पाई जाती हैं, इसलिए भारत को अपन महाद्वीप भी कह सकते हैं। अब इसकी कई विशेषताएं हैं जिनके कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो लगभग भारत लगभग 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, अर्थात 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यह एक विशाल महाद्वीप के आकार में फैला हुआ है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जा सकती है। दूसरा, विश्व का कोई भी देश प्रकृति द्वारा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है जितना भारत। भारत की सीमाएँ एकदम प्राकृतिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से अलग स्थित हैं। एक तरफ थार का मरुस्थल आ गया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ गए, पूर्व में पहाड़ियाँ आ गई, दक्षिण में तटरेखाएँ आ गई, तो ये भारत की प्राकृतिक दृष्टि से इसकी सीमाएँ एकदम से क्लियर हैं। तीसरी, प्राकृतिक व मौसमी विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ संपूर्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इतनी विभिन्नताएँ होते हुए भी संपूर्ण भारत में मानसूनी प्रकार की पूरे देश में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। जितनी संसार में जनसंख्या पाई जाती है उसकी लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहाँ सभी धर्मों, बहुत से धर्मों के अनुयायी इस देश में निवास करते हैं तथा सभी एक दूसरे से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, यही है हमारी राष्ट्रीय एकता का परिचय, जिसे सबसे मेन इस चीज़ की है कि यहाँ विभिन्नताएं होते हुए भी एकताओं का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ भाषा, बोली, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, नृत्य गीत, संगीत आदि में भी अत्यधिक अंतर पाया जाता है, परंतु सभी पहलुओं की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी में भारतीयता की खुशबू आती है। इसके अलावा यहाँ आर्थिक विकास की दृष्टि से भी देखें तो कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि, आत्मनिर्भर मूलक स्थायी कृषि, मिश्रित कृषि, व्यापारिक कृषि, आधुनिक कृषि, सभी प्रकार की कृषि इस देश में की जाती है तथा वनवासियों द्वारा साधारण हस्तकला को आधुनिक कलाएं या औद्योगिक उत्पाद में भी कई प्रकार की भिन्नताएं यहाँ पाई जाती हैं। अतः इन उपरोक्त के आधार पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे उपमहाद्वीप जैसी बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर अपन अन्य बातें करें तो भारत वैदिक व पौराणिक दृष्टि से भी देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत एक महान, सुसंपन्न तथा सुसंस्कृत देश है। हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति का उदय प्राचीन काल से ही हो गया था, जबकि यूरोप व अमेरिका के देश में उस समय असभ्य व अर्ध सभ्य अवस्थाओं में स्थित था। भारत बहुत ही अमेरिका और यूरोप से बहुत पहले ही सभ्य देशों की दृष्टि से माना जाता था। इस देश का नाम भारतवर्ष नाम अति प्राचीन है। हिंद महासागर के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित भूभाग को हमेशा से ही एक ही देश के नाम से जाना जाता है।
विष्णु पुराण के श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भारतवर्ष प्राचीन समय में ही एक भौगोलिक इकाई रहा है। इस देश की संतान को भारतीय कहा जाता है। ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू अभी रुकवा रहे हिंदू एवं इस भाग को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। रोम निवासियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा यूनानियों को इंडोस के नाम से इंडिया कहा जाता है। भारत के संविधान में इस देश को भारत इंडिया से संबंधित किया संबोधित किया। इस प्रकार अगर देखें तो भारत का नाम सिंधु के नाम से हिंदू और हिंदू से फिर इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस देश में सिंधु घाटी देश के विश्व की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। पश्चिमी विद्वान इस तथ्य से आश्चर्यचकित हैं, जब यूरोप अमेरिका में वहाँ के निवासी आदिम अवस्था में रहते थे तब सिंधु घाटी क्षेत्र के नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। ये माना जाता है कि जब यूरोप और अमेरिका में कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय भी भारत में नगरीय विकास बहुत ही तीव्र गति से हो गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास इसी देश में बहुत ही प्राचीन काल से हुआ है। यहाँ सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज नदियों के आसपास का एरिया बहुत ही विकसित था। यहीं वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक काल में भारत में साहित्य व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। वैदिक काल में भारत में साहित्य व ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के अलावा यहाँ पे ऋग्वेद यजुर्वेद सागवेद अथर्वेद में भी प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके बारे में अलौकिक तथा सबसे आकाशीय पिंडों चंद्रमा कालगणना दस दिशा आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान उन वेदों में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में रामायण व महाभारत नामक महाकाव्यों की रचना में भी भारत की संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। अगर इनके अलावा अगर बात करें तो भी भारत में प्राचीन काल से ही अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक विकास तथा व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनका भारत का प्राचीन काल से ही मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया चीन जापान इनसे बहुत प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं तथा भारत की स्थिति के बारे में और उनके बारे में अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल से ही यहाँ पे कई प्रकार के औद्योगिक कारखाने तथा सभ्यताएं विकसित हुई थी। यहाँ की मलमल की बात करें तो बताते हैं कि ढाका में इस प्रकार की मलमल बनती थी जो संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती थी। इस प्रकार अपन अगर देखें तो भारत की स्थिति के बारे में बहुत ही स्पष्ट और सही जानकारी आपको दी, जिसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चीज़ के बारे में ढंग से बात की और आपने सुना तो ये भारत की स्थिति के बारे में आपको हमने बताया कि भारत की स्थिति क्या थी, कहाँ स्थित है, इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, भारत को इंडिया के नाम से क्यों जानते हैं और किस तरह से भारत प्राचीन काल में और वर्तमान काल में किस स्थिति में था, इनके बारे में आज आपको पूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।